Kavanur move to first x. मैं सोच रही थी शायद आप टिक के बैठ जाओगे बट नहीं. कवर्नर मूव टू फर्स्ट एक्स बेटा. हाँ जी इधर से लास्ट सेकंड इधर आना. बी क्विक कॉपी ले लो और जल्दी जाओ. क्या करनी है बुक, क्या करनी है बुक रख वहां पर. मूव so we started with the Dalton atomic theory. Now what was there in the Dalton atomic theory? We have written the postulates, right? So let's discuss these postulates now. The theory is actually regarding the atoms and its construction. ठीक है, atoms क्या हैं, कैसे वो form होते हैं, कैसे वो कंबाइन करते हैं, तो उसके रिलेटेड ये सारी थ्योरी है. ओके, नाउ डाल्टन दिस गिव थ्योरी, सो दैट्स व्हाई बाय हिज नेम वी विल बी स्टडिंग डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी व्हाट ही सेड दैट कि कोई भी मैटर है, द वेरी फर्स्ट पोस्टुलेट दैट यू हैव रिटन इज दैट ऑल द मैटर दे कंसिस्ट ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स दैट वी कॉल्ड एज एटम. ठीक है, तो इसने ये कहा है कि हर एक मैटर जो है वो किसका बना हुआ है. द मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम. An atom, he said, this is the smallest or the simplest unit. इससे छोटा और इससे सिंपल यूनिट कोई नहीं है जो एक मैटर को डिफाइन करता है. ओके, इससे स्मॉलेस्ट और इससे सिंपलेस्ट कोई भी यूनिट नहीं है जो उस मैटर को क्या करे, डिफाइन करे. ओके, जैसे हाउस बनाने के लिए ब्रिक्स जो है वो छोटी से छोटी चीज रिक्वायर है. लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनाने के लिए सेल्स जो है दैट इज द स्मॉलेस्ट थिंग एंड द सिंपलेस्ट थिंग. वैसे ही किसी भी मैटर को फॉर्म करने के लिए जो छोटी से छोटी चीज है वो है एटम. ओके, सेकंड पॉइंट में आपने लिखा होगा कि एटम जो है दे आर इंडिविजिबल, जिनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि हम वेरी फर्स्ट पॉइंट में ही यही कह रहे हैं कि ये सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे सिंपलेस्ट यूनिट जिसको हम आगे और जो है वो डिवाइड नहीं कर सकते. ओके, सो वी कांट डिवाइड द एटम फर्दर, इट इज इनडिविजिबल अकॉर्डिंग टू द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. ओके, द थर्ड पॉइंट यू हैव रिटन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. वो कहते हैं कि मास जो है ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में. किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो एटम्स का मास आपने लिया हुआ है वो कॉन्स्टेंट रहेगा. Or it can be changed into some another form of energy according to the Einstein mass energy relationship. Okay, so mass can neither be created nor be destroyed in any of the chemical reaction. Fourth point, it explains about the law of definite proportion. अब इसके according वो कहता है ऐसे नहीं है कि कोई भी atoms मिलके combine कर जाएंगे और एक compound formation हो जाएगी या एक matter जो है वो बन जाएगा. No, atoms को एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में, एक डेफिनेट रेशियो में क्या करना पड़ेगा, कंबाइन करना पड़ेगा. ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, लाइक फॉर द वाटर मॉलिक्यूल व्हाट इज द रेशियो, रेशियो क्या है इसकी, 1:8 बाय द रेशियो इज 1:8 बाय मास. अब अगर आप दो एटम हाइड्रोजन के और एक एटम ऑक्सीजन का लोगे, उसी को ही हम क्या कहेंगे, वाटर कहेंगे. ओके, दिस इज नॉट वाटर, दिस इज नॉट वाटर और दिस इज नॉट वाटर. ठीक है, इनको हम पानी क्यों नहीं कह रहे हैं, व्हाई वी आर नॉट कॉलिंग दीज एज वाटर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि वाटर के कॉम्पोजिशन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशियो है वो फिक्स है. दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन जो है बाय नंबर होने ही चाहिए, उसी को ही मैं क्या कहूंगी, वाटर कहूंगी. ओके, अब कहते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स जो है वो कंबाइन करते हैं. यहाँ पर दो डिफरेंट एलिमेंट्स है ना आपके, एक हाइड्रोजन लिया है और एक क्या है, ऑक्सीजन है. ओके, सो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स जो है वो कंबाइन करते हैं एंड दे फॉर्म अ कंपाउंड. ओके,
नेक्स्ट पॉइंट ये था कि ये जो आपके एलिमेंट्स हैं, ये जो आपके एटम्स कंबाइन कर रहे हैं, इनकी रेशियोज जो हैं वो कुछ भी हो सकती हैं। दे कैन बेसिकली कंबाइन द सेम एटम्स, दे कैन कंबाइन इन एनी अदर रेशियोज ऑल्सो। जैसे ये है वॉटर, कह देते हैं हम इसको, अगर मैं इसको कहूँ H2O2 है तो इसमें भी हाइड्रोजन है और कौन है, ऑक्सीजन। अगर मैं वाटर की बात करूं इसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, बट दोनों में रेशियोज डिफरेंट है। यहाँ पर जो रेशियो है वो क्या हो जाएगी, दिस विल बी 2:13, 32:1:16। ठीक है, सो दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जो आपके दो सेम एलिमेंट्स हैं, जो आपके दो सेम एटम्स हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज में भी कंबाइन कर सकते हैं। हाँ जी बेटा, ये दोनों पॉइंट समझ आ गए। यहाँ पर हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कहते हैं कि ये जो कॉम्पोजिशन है ये फिक्स होनी चाहिए, बट ये भी है कि जो दो सेम एटम्स हैं वो किसी और रेशियोज में भी क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं इन ऑर्डर टू गिव सम प्रोडक्ट्स। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का, नेक्स्ट इट सेज दैट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन एटम, तो सारे ऑक्सीजन एटम्स जो हैं वो सिमिलर होंगे, उसकी शेप, उसका साइज, ओके, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दे विल बी सेम इन ऑल द कॉन्टेक्स्ट। समझ आया, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स दे विल बी सेम इन ईच एंड एवरी कॉन्टेक्स्ट। बट यही अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंपेयर करूं तो हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का मास जो है वो डिफरेंट हो जाता है, हाइड्रोजन का मास कम हो जाएगा, ऑक्सीजन का मास ज्यादा है, तो साइज डिफरेंस आ जाता है यहाँ पर, ओके। सो यहाँ पर इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो क्या हो जाएंगी, दे विल बी डिफरेंट। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम एलिमेंट्स, ठीक है, सेम एलिमेंट्स हैं तो सब कुछ सेम है, बट अगर एलिमेंट्स डिफरेंट कर दिए हमने तो उनकी जो सारी प्रॉपर्टीज हैं दे विल बी चेंज्ड। ठीक है, यू कैन रीड आउट द पॉइंट्स ऑफ द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी पॉइंट यू कैन आस्क बेटा। मैंने सारे पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के, जस्ट टेक 1 मिनट, रीड आउट द पॉइंट्स एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। सॉरी आर्यन, धीरेन, एकजोत, ज्योति, परमीत, अमन, सुदीक्षा, सुमति। हाँ जी बेटा, एनी डाउट? हाँ जी, यही बताया मैंने, H2O2 वाला जो पॉइंट बताया था अभी, H2O2 में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, वाटर में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, एलिमेंट्स सेम है दोनों में, बट जो इन दोनों की रेशियोज हैं वो डिफरेंट है। यहाँ पर आपने अभी मुझे बताई 1:8 है, यहाँ पर आपने 1:16 बताई थी, रेशियोज डिफरेंट होगी बट एटम्स तो दोनों में सेम है। ठीक है, तो ये है आपका लास्ट पॉइंट, क्या ये एक है, 8 पॉइंट्स की है। हाँ जी, एनी डाउट टू एनीवन इन द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, पॉइंट्स क्लियर टू यू? चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, वेयर दिस थ्योरी फेल्स एक्चुअली, द ड्रॉबैक्स ऑफ द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब हम ये पढ़ेंगे कि ये थ्योरी जो है वो कहां पर फेल हुई है। यस धीरेन मैम, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो है इस थ्योरी में। हाँ जी बेटा, बोला मैंने डेफिनेट प्रोपोर्शंस वाला, एक आपको ये भी पॉइंट बताया हुआ मैंने, द रिलेटिव एंड द काइंड ऑफ द एटम्स दे आर सेम, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, दिस इज आल्सो डाल्टन एटॉमिक। जो मास वाला पॉइंट है वो ये, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विल शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज। आपने एक पॉइंट लिखा होगा, ड्यूरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स दे कंबाइन इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो। यस मैम, होल नंबर रेशियो जहां पर आ गया वो डेफिनेट प्रोपोर्शन है, रिलेटिव काइंड एंड नंबर ऑफ द एटम्स दैट इज आल्सो द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, कौन से तरह के, किस तरह के और कितने नंबर में वो कंबाइन करेंगे वो भी जो है वो फिक्स्ड है। ठीक है, so these points, these both points, they represent the definite proportion law, okay।
चलिए नेक्स्ट राइट डाउन द ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड ड्रॉबैक्स? वेरी गुड. फेलियर्स, नुकसान का क्या कह रहे हो आप? ड्रॉबैक का मतलब नुकसान कहाँ से होता है? यू कैन से डिसएडवांटेजेस, फेलियर, वेयर दिस लॉ इट वॉज नॉट एक्चुअली अप्लाइड. कहाँ ये फेल हो गया, कहाँ हम इसको नहीं अप्लाई कर सके. ओके, दैट इज कॉल्ड एज इट्स ड्रॉबैक्स. अब सबसे पहले इसका ड्रॉबैक है कि फॉर द मॉडर्न टाइम वी कैन से दैट द एटम इज डिविजिबल. उसने सबसे पहले ये पॉइंट कहा था कि ये सिंपलेस्ट और स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते. बट इन एक्चुअल द एटम इज डिविजिबल. हम एटम को डिवाइड कर सकते हैं. एटम इज डिविजिबल. इट कैन बी डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड this is the first drawback of Dalton atomic theory. The second drawback, हाँ तो वही बोल रहे हैं ना, ये drawback हो गया ना. कोई invention होती है उसके ऊपर पहले research की जाती है and they find the loopholes कि ये कहाँ fail हो रही है. ठीक है, फिर वो फेल होती है, उस फेलियर को ओवरकम किया जाता है एंड देन नेक्स्ट थ्योरीज आर प्रपोज्ड इन दिस कॉन्टेक्स्ट. इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. क्लियर? सेकंड पॉइंट राइट डाउन, द थ्योरी फेल्स इन केस ऑफ आइसोटोप्स. द थ्योरी फेल्स in case of isotopes. Isotopes का पॉइंट वैसे हम आगे डिस्कस करेंगे बट मैं आपको बता देती हूं what are isotopes. हमने क्या कहा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पॉइंट में कि अगर मैं ऑक्सीजन एटम की बात कर रही हूं तो सारे ऑक्सीजन का मास सेम होगा. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन एटम तो सारे ऑक्सीजन का मास सेम होगा. बट वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन एटम. एक में जिसका मास जो है वो 16 होता है और एक में जिसका मास जो है वो 18 होता है. तो अगर ये 16 वाला कंबाइन करेगा तो रेशियो तो चेंज हो जाएगी. अगर मैं यहां पर सपोज आपको कह रही हूं कि मैंने वाटर फॉर्म करना है विद द ऑक्सीजन दैट इज हैविंग द मास 16 तो रेशियो क्या बनेगी? 1:8. बट अगर मैं 18 वाले के साथ कंबाइन करने को कह दूं आपको तो फिर तो रेशियो उसका फर्क पड़ गया. हो गया ना चेंज. यहां पर तो रेशियो चेंज हो गई. डाल्टन एटॉमिक थ्योरी तो कहती है कि कंपाउंड जो है जितने मर्जी फॉर्म कर लो, जहां से मर्जी लेके आ जाओ, जो मर्जी उनका सोर्स है, ये रेशियो हमेशा फिक्स होनी चाहिए. बट ये रेशियो तो क्या हो गई है? चेंज. ओके, एंड दिस इज इन केस ऑफ आइसोटोप्स. ये जो मैंने दो ऑक्सीजन के लिखे हैं इनको हम क्या कहते हैं? आइसोटोप्स. वैसे ही आपके पास हाइड्रोजन के आते हैं. इफ यू हैव हर्ड अबाउट दीज, प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्रिटियम. हैव यू हर्ड अबाउट दिस? चलो कोई बात नहीं, ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे. बट अभी फॉर द टाइम आप इतना याद रख लो कि आइसोटोप्स में जो भी आपके एलिमेंट हैं, जो एक स्पेसिफिक एलिमेंट है उसके डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक मासेस वाले स्पीशीज जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं. जैसे ऑक्सीजन का 16 वाला भी एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन का 18 वाला भी एग्जिस्ट करता है. अब मुझे कैसे पता चलेगा कि वो 16 की बात कर रहा है कि वो 18 की बात कर रहा है? ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा? ओके, सो दिस इज द सेकेंड ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. आएंगे आगे, आगे आएंगे वो मैं बताऊंगी. ठीक है, क्लियर है यहां तक? इज इट क्लियर? नेक्स्ट राइट डाउन,
अब नेक्स्ट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा और चार्ट जो मैंने आपको करवाया था उसको थोड़ा सा और कर लेते हैं पहले फिल। हाँ जी 20 एलिमेंट्स वाला। हाँ जी हाइड्रोजन कार्बन चलो मेरे अभी यहां तक इतने ही आए हैं बाकी बाद में डिस्कस करते हैं। सी आई राइट नंबर्स इनकी क्या सिग्निफिकेंस है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी ठीक है बट आपने ये नंबर्स एज इट इज जिस ऑर्डर में है आपने इसी ऑर्डर में ये एलिमेंट्स जो हैं वो लर्न करने हैं। अगर आप दोनों को कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है यू कैन गो आउट। है कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है इधर आओ। हाँ जी ठीक है बेटा नाउ वी आर गोइंग टू राइट डाउन द मासेस जो आप मेरे से पूछ रहे थे कि ये 16 कैसे लिखना है ठीक है 14 कैसे आया है तो अब हम वो देखेंगे ओके। दैट आर नोन एज एटॉमिक मासेस दैट आर नोन एज एटॉमिक मासेस। ऑक्सीजन का 16 कैसे आया ठीक है कार्बन का 12 कैसे आया है नाइट्रोजन का 14 कैसे लिखते हैं हम तो हम ये चीज डिस्कस करेंगे ओके। सबसे पहले आपने याद रखना है फॉर द एक्सेप्शंस ऑफ 1, 4, 7, 17, 18 इन नंबर्स को आपने एक्सक्लूड कर देना। जो भी मैं रूल बताऊंगी जो भी मैं आपको रूल बताऊंगी उस रूल में से इन नंबर को बाहर निकाल देना यानी कि इन नंबर्स पे हमने वो रूल अप्लाई नहीं करना। इन नंबर के एलिमेंट्स फर्स्ट है एक्सक्लूड कर दे 4 है एक्सक्लूड कर दो उसके बाद 7 है दैट इज आल्सो एक्सक्लूड। क्लियर। अब रूल क्या कहता है मास नंबर या एटॉमिक मास ये दोनों चीजें सेम है ठीक है कहीं पर मैं एटॉमिक मास यूज करूंगी कहीं पर मैं मास नंबर यूज करूंगी तो दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग मास। मैं किसकी बात कर रही हूँ मास की ही बात कर रही हूँ ठीक है आइदर आई एम टॉकिंग एटॉमिक मास आइदर आई एम सेइंग मास नंबर दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग दैट इज द मास ऑफ द एलिमेंट ओके। जो इवन एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 उनके लिए आपने क्या करना है ये जो नंबर्स हैं ये लेने हैं इनको हम वैसे कहते क्या हैं एटॉमिक। तो आपने ये नंबर्स लेने हैं दैट इज द एटॉमिक नंबर एंड यू सिंपली मल्टीप्लाई इट बाय 2 सिंपली मल्टीप्लाई इट विद 2। ऑड वालों के लिए हमने क्या करना है टेक द एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाई देम विद 2 एंड एड 1 इनटू इट। इज दिस क्लियर इज दिस क्लियर। सेकंड का बताओ 4, 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
आ गया ऑक्सीजन का 16, याद हो जाएंगे अब. Yes, अब जो आपने छोड़े हैं वो फिल करो. वैसे वन का क्या होना चाहिए था?
वैसे इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, थ्री होना चाहिए था, बट एक्चुअली दिस इज वन, वन का वन ही रखना। फोर का रूल के अकॉर्डिंग क्या बनना चाहिए था, आपने वन ऐड कर देना है, दैट इज नाइन। यहाँ पर आपने याद रखना है 7, 9, 11, ठीक है, याद रहेगा, ये तीनों ऑड आने चाहिए, 7, 9 and 11। नाइट्रोजन का वैसे कितना आना चाहिए, 15। तो आपने यहाँ पर याद रखना है तीनों इवन आने चाहिए, 12, 14 and 16। समझ आ गया, ये तीनों ऑड, ये तीनों, क्लियर है यहां तक? नोट कर लो फिर मैं आगे लिखूं, नोट कर लो फिर मैं आगे लिखूं। वही एक्सेप्शन आ जो लिखी हुई ऊपर। हाँ जी, मैंने वन और फोर को छोड़ देना पहले, बाकी जितने भी लिखे हुए हैं उनका देखो। अगर तो इवन नंबर है, ये वाला नंबर उठाना है हमने, इफ दिस इज इवन, टू है, इवन के लिए क्या बोला है, टू नंबर है तो टू में टू ऐड मल्टीप्लाई कर देना, टू टू सा, तो मैंने यहाँ पे फोर लिखा। इसकी बात करूं ऑड, लिथियम की बात कर लेते हैं, ठीक है, लिथियम ऑड है, नंबर कितना लिथियम का, 3, 2 6+1, ठीक है जी। हाँ आप सीधा भी याद कर सकते हो बेटा, बट सीधे में फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो इसीलिए ये रूल बताया है। पेपर में आपको याद आ जाएगा कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो 6 को सीधा मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, 6, 2 12, इमीडिएटली माइंड में हो गई कैलकुलेशन। हाँ जी, क्या एटॉमिक नंबर, तभी तो बताई, स्कीम बताई है एटॉमिक नंबर की, आपने पहला काम पेपर्स में ये करना है, स्कीम लिखनी है व्हेन यू हैव टू स्टार्ट द एग्जाम। जैसे ही बेल हो जाती है, पेपर स्टार्ट करते हो, सबसे पहले पीछे स्कीम लिख लेनी, और स्कीम से मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जानी, ठीक है। एटॉमिक नंबर लिखे होंगे, इमीडिएटली ऑन द स्पॉट आपके मास नंबर कैलकुलेट हो जाने हैं, इसके बाद भी जो बाकी चीजें हैं वो भी मैं बताऊंगी। लिथियम का बताया, लिथियम का नंबर 3 है ना, तो 3, 2 6+1 7। फ्लोरीन का 19 कैसे हो जाएगा बेटा, अच्छा हाँ ओके ओके ठीक है, फ्लोरीन का 19 है, हाँ जी हाँ जी। When you are done, let me know. Exceptions कौन कौन से नंबर की हैं? 1, 4, 7, 17 and 18। और जो आपने ये नंबर याद रखना है, वही आपका ये नंबर स्टार्टिंग में है, 1, 4, 7। कैन यू सी, जो नंबर मैंने आपको वहां पर बताए हैं, वही नंबर से आपकी जो स्कीम है वो स्टार्ट हो रही है, 1, 4, 7, 17 and 18। याद रहेगा ये सारी चीजें आपको याद करवाने के लिए, वी डोंट हैव टू क्रैम एनीथिंग, इंस्टेंटली जो चीज आप रिप्रोड्यूस कर सकते हो आप कर लो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, क्रैम करोगे तो नहीं समझ आएंगी। जी धीरेन बोलिए। मैम ये राउंडेड ऑफ वैल्यूज हैं, क्योंकि जो चार्ट पे लिखे हैं वो पॉइंट्स पे लिखे हैं बेटा, ये राउंडेड ऑफ, ये राउंड ऑफ है, ओके मैम, ठीक है, तो नियरली एक आधा जो है वो ऊपर नीचे हो भी सकता है राउंड ऑफ के कारण। ये नंबर्स ये वाले एलिमेंट्स के हैं जिनके एक्सेप्शंस हैं, जैसे ये देखो, वन का एटॉमिक नंबर क्या आना चाहिए था एक्चुअली,
थ्री आना चाहिए था, बट ये थ्री नहीं आया, ये क्या आया? तो ये एक्सेप्शन में है, ये हमने इंक्लूड नहीं करने हैं इस वाली स्कीम में। इस स्कीम में आपने ये नंबर जो है वो ऐड नहीं करने हैं, ये अलग बिहेव कर रहे हैं स्कीम से। सिमिलरली फॉर द फोर, फोर के लिए फोर टू सा एट होना चाहिए था, बट एक्चुअली कितना आया है? सेवन के लिए 15 होना चाहिए था, बट दैट इज 14। तो ये एलिमेंट्स इस स्कीम को नहीं मान रहे हैं, इसीलिए हमने इनको बाहर निकाल दिया। जैसे आप शोर करते हो, आप नहीं मानते हो, हम आपको बाहर निकाल देते हैं ना, बस वैसे ही है, ठीक है? इन एलिमेंट्स ने हमारी बात नहीं मानी, हमारी स्कीम नहीं मानी, तो हमने इनको बाहर निकाल दिया स्कीम से। ओके, चलिए राइट डाउन द नेक्स्ट वन नाउ। ये टेबल लास्ट में जब फिनिश हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, आप तब बनाना इसे, क्योंकि बार बार बनाओगे तो पेजेस ही वेस्ट होंगे, ठीक है ना? कहां तक? फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हैं, और फर्स्ट 20 के अलावा अगर कोई बाहर से भी आएगा तो उसका एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर आपको गिवन होगा। आपने अपना फोकस फर्स्ट 20 पे रखना। इसके अलावा अगर कोई आएगा तो वो दिया होगा आपको उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ठीक है, जो भी चीजें आपके यूज में होंगी उस टाइम। 9, 10, 11, 12। चलो पहले इतने डिस्कस कर लेते हैं। फ्लोरीन इज ऑड, 9 2 18 + 1। नियॉन इज इवन, 10 2 सोडियम 11 11 2 22 + 1 20। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, ठीक है जी। अब अगर मैं बोलूंगी तो आपने आंसर्स देने हैं, ठीक है, कि ये कैसे आए। आपके ये जो नंबर्स हैं और आपके जो पहले तीन नंबर्स हैं, दे आर सेम, 147 147, ठीक है। हाँ जी बेटा, आगे लिखे। वी आर लेफ्ट विद लास्ट 3 4। क्लोरीन, पहले 1920 का लिख लेते हैं। पोटेशियम, कैल्शियम, आर्गन का 40 है, वैसे कितना होना चाहिए, ठीक है, तो ये 40 है। क्लोरीन का 8 एक्चुअली इसके दो आइसोटोप्स को मिलके आता है, आप याद भी कर सकते हो। एक इसका आइसोटोप होता है 35 और एक होता है 37। हम इन दोनों का ले लेते हैं मीन, तो इन दोनों का जब आप मीन निकालोगे डेट विल बी 35.5, तो इसलिए हम यहाँ पर ये लेते हैं। हाँ जी, आर्गन और कैल्शियम का।